स्पीड के मामले में तो सर आपको क्या है बताया, मतलब पंजा दबाओ जिप जैप जूम लेके जाएगा तो गाड़ी कहेगा भाई साहब गाड़ी ऐसी होनी चाहिए। हेलो भाई, आज स्मार्ट कार रिव्यू के वीडियो में स्वागत है आपको। आज हम देखने वाले हैं कस्टमर रिव्यू जो कि XUV 300 है, अपने सामने खड़ी टर्बो मॉडल है और इसका आज कस्टमर रिव्यू जानेंगे, प्लस इसके अंदर क्या क्या आफ्टर मार्केट लगवाया गया, कितना खर्चा आता है और एक्सोरूम कितना पड़ा, ऑन रोड कितना पड़ा और अभी तक क्या इसका माइलेज दी है ये गाड़ी। तो कंपनी क्लेम करती है कि 18 के करीब ये माइलेज दे देती है, लेकिन जब एक्सोरूम से जब ये बाहर आती है रोड पर चलती है तो कितना ये माइलेज क्लेम करती है वो आज एक ऑनर से जानेंगे कि भाई ये गाड़ी चलाने में कैसी लगती है। वैसे तो महिंद्रा की गाड़ी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है और वैसे महिंद्रा कंपनी ने इस टर्बो मॉडल को अभी फिलहाल में लॉन्च किया जो, और क्या क्या लगा इसमें, एक्सोरूम में क्या एक्सेसरीज पार्ट लगे थे वो सारा आज डिटेल में इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो अगर आप भी XUV 300 लेना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। XUV 300 के जो ऑनर है वो आज हमारे साथ हैं, संजय शर्मा। तो सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ स्मार्ट कार रिव्यू में, कैसे हो सर? सर बिल्कुल एकदम बढ़िया। तो XUV 300 जो आपने खरीदा था ये कब खरीदा था आपने, कौन से सन में? मैंने ये लिया था जनवरी 2023, 15 जनवरी 2023। गाड़ी हाँ, को तो अब आपका मई है और मई में 15 यानी कि लगभग आपके 3 महीने हो चुके हैं गाड़ी। अच्छा अच्छा, 3 महीने में आपने इसको कितना चला लिया? मैंने इस गाड़ी को लगभग 3,000-1,000 किलोमीटर चलाया है। अच्छा, 3,000 में कहाँ कहाँ फिर भी ट्रैवलिंग वगैरह? मेरा मोस्टली 2,000-1,000 किलोमीटर तो मैंने इसको लोकल ही चलाया है, लोकल फरीदाबाद में। अच्छा अच्छा, और 1,000 किलोमीटर मैंने जस्ट अभी से ट्रिप लगाया था, ऋषिकेश हरिद्वार गया था मैं। अच्छा, तो उस बीच चला के आया हूँ। तो इससे थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग तो हुई होगी? हाँ, ऑफ रोडिंग हुई थी, मेरे पास इससे पहले रिट्स गाड़ी थी। अच्छा, तो हम जब वहाँ कैंप के लिए जाते थे ऋषिकेश में तो एक जगह ऐसी थी कि जहाँ मैं कैंप के लिए गया था और उस रिट्स गाड़ी से मैं नीचे डाउन गया था और जब मैं उससे ऊपर चढ़ने की कोशिश करी तो 3 से 4 बार मेरे को टाइम लगा और जिसमें कि जब लास्ट टाइम जब गाड़ी फाइनली मैं ऊपर लेके आया तो मेरे दोनों आगे के टायरों में से धुएं निकल गए थे जैसे कि गाड़ी के इंजन में आग लग गई हो। अच्छा, उसी डर की वजह से मैं उस लोकेशन पे कभी जाता नहीं था। लेकिन बाई चांस मैं जब गया था ऋषिकेश तो मेरे को कहीं बुकिंग नहीं मिली, मैं उसी लोकेशन पे बुकिंग हो गई मेरी XUV 300 के साथ। हाँ, तो मैं बाई चांस वो जगह मेरे को पता नहीं थी, पता चली लास्ट में वो वही जगह निकली। तो जब मेरा मैं चला तो गया उस जगह पर आने की सोचने लगा कि मैं इसको ऊपर कैसे लेके आऊंगा। अच्छा, फिर वही डर सताने लगा। मैंने कहा पता नहीं कैसे, मैंने बच्चों फैमिली से कहा कि आप लोग आगे खड़े हो जाना, मेरे को बताना गाड़ी में से उतर के अब आ जाओ ऊपर में आ जाओ। इतने बाई चांस एक फोन आ जाता है और बात करते करते मैं इस गाड़ी को धीरे ऊपर ले आया, मेरे को पता ही नहीं चला कि गाड़ी कब कब में ऊपर आ गई। ऊपर का उस दिन मेरे को पता चला कि एक जब आप अच्छी चीज लेते हो तो कैसे काम करती है। तो मतलब जहाँ मैं सोच पूरी रात सोच रहा था कि मैं ऊपर कैसे चढ़ूंगा तो वो मेरा मिनटों का खेल मेरे को पता ही नहीं चला। तो टर्बो इंजन आता है इस गाड़ी के अंदर, XUV 300 के अंदर देख रहे GDI है जो टर्बो इंजन आता है इसके अंदर, 118 BHP के करीब पावर और 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है ये गाड़ी। सबसे बड़ी बात आती है माइलेज को लेकर जो कि ये गाड़ी कैसी देती है माइलेज। माइलेज का ऐसा है, मैंने आपको जैसे बताया होगा कि मैंने लगभग 2000 किलोमीटर इसको लोकल फरीदाबाद में चलाया है। हाँ। वो भी बिल्कुल जाम लगा होता है इस तरीके से, मतलब मेरे को खुली रोड कहीं नहीं मिली कि मैं इसको नॉर्मल चला सकूं। ये चली 20-30 की स्पीड पे ही चली है। अच्छा। तो मेरे को जब मैंने इसको लोकल चलाया है और विदेशी चलाया है तो उसने मेरे को माइलेज वो दिया है 13-13.5। कंपनी 18 के में, कंपनी जो क्लेम करती है वो 18 करती है और जो भी कंपनी अपनी माइलेज क्लेम करती है वो हाईवे पे क्लेम करती है। अच्छा। ना कि वो लोकल में चला के क्लेम करती। अच्छा, है जब मैंने इसको हाईवे पे चलाया ऋषिकेश के टाइम, हाँ ऋषिकेश के टाइम पे जब मैंने 1,000 किलोमीटर में बता रहा हूँ मैंने इसको हाईवे पे चलाया हुआ है तो उस 1,000 किलोमीटर में मैंने जो इसकी माइलेज देखी है वो मेरे को पड़ी है इसकी लगभग 15-15.5। अच्छा। हाँ। तो माइलेज ठीक ठाक लगी आपको? हाँ, मतलब वो ठीक है कि अगर मैं इसको और भी मतलब कुछ जैसा है कि एक टर्बो है स्पोर्ट्स वेरिएंट है तो थोड़ा भगाने का मन करता है तो उसमें थोड़ा भगाया भी है वैसे भी है। अगर आप इसको एक एवरेज जो चलते हैं जिसपे एवरेज देखते हैं 70-80 की स्पीड में दो तो ये लगभग जो कंपनी 18 का क्लेम करती है वो आपका 16 का आ सकता है। तो 18 का प्रॉपर अभी तक आपको नहीं दिया? नहीं, 18 का प्रॉपर नहीं है। अगर आप स्पोर्ट्स के अगर गाड़ी को मतलब रफ्तार के साथ चलाते हो और स्पोर्ट वेरिएंट, क्योंकि आपको पहले ही बता दें स्पोर्ट्स वेरिएंट है टर्बो इंजन है इसका तो ये 18 की एवरेज तो आप मान के मत चलो, आपको ये एवरेज मैक्सिमम 16 देगी। लेकिन जब आपने XUV 300 को देखा और भी इससे पहले आपने XUV को देखा होगा तो फिर आपको कोई XUV? मैंने इस गाड़ी को लेने से पहले फरीदाबाद के बहुत शोरूम विजिट करे थे। अच्छा। मैंने मारुति भी गया था। अच्छा, जैसे मारुति में कौन सी गाड़ी देखा आपने? मारुति में मैं देख रहा था XL6। अच्छा अच्छा,
और फिर मैं उसमें गया, आपका किया मोटर्स में गया। अच्छा। वहाँ मैंने सोनेट भी देखी, सेल्टोस भी देखी। अच्छा। फिर उससे पहले मैं एक और शोरूम में गया था, आपका टाटा में गया था, तो वहाँ मैं हैरियर भी देख रहा था। तो ये सब कुछ मिला के मैं तो बजट की कोई इशू नहीं थी, मेरा बजट जो था वो लगभग 15 लाख के आसपास था। अच्छा अच्छा। तो मेरे को अपने बजट में भी गाड़ी चाहिए थी, प्लस मेरे को पावर भी चाहिए थी और बहुत कुछ चाहिए था गाड़ी में, अंदर स्पेस भी चाहिए था मेरे को। अच्छा अच्छा। तो ये सब देखते हुए मैंने जब गाड़ी विजिट करी तो मैंने एक बार प्लान बनाया कि मैं वो इसी की महिंद्रा की वो आती है बोलेरो के लिए, मैं न्यू अच्छा बोलेरो का प्लान बना रहा था। अच्छा अच्छा। तो जब मैंने वो लिया तो फिर थोड़ा सा उसमें ये था कि वो आज के तरीके से मॉडिफाई नहीं थी, कुछ चीजें चाहिए थी, सनरूफ चाहिए था, बच्चे की चॉइस थी, ये सब चीज देख के फिर मैंने इस गाड़ी को डिसाइड करा। अच्छा, तो ये कितना पड़ा था आपको एक शोरूम? एक शोरूम में ये गाड़ी का मेरा प्राइस लगभग 13,66,000 के आसपास है। ऑन रोड आते आते कितना पड़ गया आपको? ये लगभग मेरे को 14,25,000 समथिंग का मेरा खर्चा आ गया था। तो जैसे हर एक मोटर से सीरीज पार्ट लेना कंपलसरी है तो था इसमें, जो मैंने नहीं लिया था तो मेरे को फोर्स भी नहीं कराया गया था, मेरे को कंपनी की तरफ से बोल दिया गया था कि आप अगर ये चीज नहीं लेने चाहते आपकी कॉस्ट में से वो माइनस कर दिया जाए। अच्छा, अपनी चॉइस के हिसाब से था। हाँ, तो चॉइस के हिसाब से था, ऐसा कोई फोर्स नहीं था। तो आपने एक बार नेक्सोन की तरफ नहीं देखा कि इस बजट में नेक्सोन? हाँ, नेक्सोन मैंने गाड़ी जरूर देखी थी, पर नेक्सोन गाड़ी मेरे को उसके प्राइस के अकॉर्डिंग काफी मेरे को कॉस्टली लग रही थी। अच्छा। और दूसरा बात, नेक्सोन और इसके अंदर का स्पेस जो था वो बहुत बड़ा रीजन था मेरा नेक्सोन ना लेने का। अच्छा, स्पेस के मामले में आपने उसको हटाया था? क्योंकि नेक्सोन के अंदर मैंने बैठ के देखा और मैंने जब इसके अंदर बैठ के देखा तो स्पेस का बहुत बड़ा चेंज है। नेक्सोन में आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइटनेस है और इसमें बहुत खुलापन है। और ये सब थोड़ी सी इतना मेरे को गाड़ी की पता नहीं थी, मेरा कजन है भरत। अच्छा। जो कि डॉक्टर भरत है। अच्छा। इन्होंने मेरे को थोड़ी सी नॉलेज दी कि भैया ये गाड़ी पावर है, इसमें महिंद्रा में जाओ, इसके जैसी गाड़ी, क्योंकि इनको गाड़ी के बारे में बहुत कुछ पता था। अच्छा। तो इन्होंने मेरे को इस गाड़ी के लेने में भी हेल्प करी। अच्छा। तो ये सब सारी चीज डिसाइड करके तब मैंने ये गाड़ी ली। और जब ये मैंने गाड़ी ली तो इस गाड़ी को लेने के बाद फिर मेरे को इसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी करवाने पड़े थे। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने 14 लाख रुपए जब आपने दिया ऑन रोड में, तो फिर इसके अंदर देखो 7 लाख रुपए सार्क फिन एंटीना वगैरह दे देते हैं और कंपनियां, तो इसमें 14 लाख रुपए में भी नॉर्मल एंटीना देखने को मिला, तो ये सारी छोटी मोटी चीजें आपको लगी नहीं? नहीं, वो एंटीना से मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, मेन स्पेस का था? मेन स्पेस का था, क्योंकि आदमी 90% गाड़ी में बैठ के अंदर चलता है। और दूसरा सेफ्टी पॉइंट था, 5 स्टार रेटिंग थी इसकी। और सबसे बड़ी बात है, आपको गाड़ी जब आप चला रहे हो तो आपको महसूस होना चाहिए कि कोई जानदार चीज आप चला रहे हो, तो ये कहीं भी पिकअप के मामले में मेरे को पीछे नहीं छोड़ती। मैं जितना भी इसके ऊपर पंजा दबाता हूँ ये उतना स्पीड से और आगे बढ़ती है। तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस में कैसी लगी ये गाड़ी? ड्राइविंग में ये गाड़ी इतनी स्मूथनेस चलती है, और जो इसकी आगे आप ड्राइविंग सीट पर बैठोगे और रोड जो क्लियरेंस इसके सीट का है वो मेरे को और किसी गाड़ी में इतना नहीं लगा। आपका इवन है नेक्सोन की आप बात कर रहे थे, तो नेक्सोन में आगे जो ब्लैक पॉइंट है उसका इतना चौड़ा वो साइड से आता है, शीशे के साइड से वो बड़ा डीप है, दिखता नहीं है उससे। और इसके आप सीट पे बैठते हो पूरा बोनट क्लियर आगे आपको नजर आता है, एसयूवी फील आ जाती है सब 4 मीटर्स में। बहुत बड़ा स्पेस को लेकर बहुत बड़ा बैठा है, बहुत अच्छा है। जो इसका आगे एकदम यूनिक डिजाइन है, आगे बैठने के बाद बिल्कुल क्लियर आपको रोड दिखाई देती है, ये आपको और गाड़ियों में अंदर बैठ के नहीं दिखता इतना। इसके बाद आपने इसमें क्या क्या एक्सेसरीज पार्ट लगाया आफ्टर मार्केट में? लेने के बाद जो मेरे को इसमें बस कमी लगी वो था इसका म्यूजिक सिस्टम। मैंने कहा कि चीज अच्छी ली है लेकिन कंपनी ने इसके साथ मतलब म्यूजिक सिस्टम में थोड़ा बहुत कमी करी है कि जिसको आज तक अपडेट नहीं किया गया है। अच्छा। अपने आप में ये एक्सयूवी बहुत बिकती है, जो भी अगर गाड़ी के अगर कोई लेना चाहता है तो वो समझदारी से इसी गाड़ी की तरफ जाता है। लेकिन इस गाड़ी में जो सबसे बड़ी कमी रहती है वो इसके म्यूजिक सिस्टम के साथ है। अच्छा। जो कि इसके नए नए मॉडल आ रहे हैं फिर भी अभी तक अपडेट नहीं आया है। सीरीज पार्ट लगवाया, वो क्या क्या लगवाया आपने? मैंने इस गाड़ी का सबसे पहले तो म्यूजिक सिस्टम चेंज करवा दिया। अच्छा। फिर इसके वो कौन सी कंपनी का आपने लगवाया?
मैंने कंपनी तो जो इनबिल्ट आता है म्यूजिक सिस्टम वही है, इसके अंदर मैंने एम्पलीफायर बूफर और चारों इसके स्पीकर चेंज करवाए और उसके अलावा मैंने म्यूजिक सिस्टम जो कंपनी का है वही है, उसको नहीं छेड़ा है। सीट कवर लगवाए हैं जो लगभग जिनकी कॉस्ट 8,500 के करीब। ऊपर आफ्टर मार्केट में कितना खर्चा आ गया आपका इस गाड़ी का? आफ्टर मार्केट मैंने इसमें 70 से 1 लाख रूपए खर्च कर दिया है, तो कुल मिला के आपको 15 लाख रूपए की गाड़ी पड़ गई। गाड़ी में कुछ भी कमी नहीं है, आप कोई अगर ये लेके जाएगा तो वो गाड़ी कहेगा भाई साहब गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जिसमें इतनी सब चीज तो मिनिमम जो चीज चाहिए वो इस गाड़ी के अंदर है। तो ये जो इम्पोर्टेंट बात लगा इसमें, इस कलर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, आपने इस कलर को ही क्यों लिया? व्हाइट भी आती है तो आपने ये येलो कलर में क्यों? एक्चुअल में मेरे पास इससे पहले जो गाड़ी थी वो मेरे पास व्हाइट कलर में थी। अच्छा, और दूसरा कलर काफी आते हैं और आजकल ट्रेंड में चल रहा है ब्लैक कलर। अच्छा, जब मैं शोरूम में गया था तो ये गाड़ी अंदर शोरूम में खड़ी हुई थी और शाइनिंग देख के इसका मेरा मन भाग गया, इसी कलर में खड़ी इसी में। और ये है कि ये कंपनी का भी लॉन्चिंग कलर है। अच्छा, और जो कलर की क्वालिटी इसकी है, ऐसे और भी कंपनियां कलर निकालती है अपनी अपनी गाड़ियों के, लेकिन उसके और इनके कलर में काफी डिफरेंस है। और ये कलर जब आप जाओगे ब्लैक और इसको खड़ा करोगे तो ये ज्यादा ब्राइट में नजर, ये ज्यादा ब्राइट में नजर आता है। अच्छा, तो आपके जो सामने ये जो भैया हैं इनको भी, ये इस गाड़ी को आप दोनों ड्राइव करते हो? हाँ, दोनों ड्राइव करते हैं और दोनों ने डिसीजन लेके बड़े भाई हैं मेरे साथ। अच्छा, हमने एक डिसाइड करा के हमें कौन सी गाड़ी पे जाना चाहिए। अच्छा, तो हमने दोनों ने अपना लेके फिर हमने ये गाड़ी डिसाइड करी। हाँ, तो जब आफ्टर मार्केट इसमें एक्सेसरी पार्ट लगवाने जाते हो तो फिर आप अलग जाते हो, फिर ये अलग करवाते हैं एक्सेसरी पार्ट? हमने पहले डिसाइड कर लिया था हमें क्या क्या चाहिए। चंद्रा में हमें सारी चीजें मिली बट कुछ कुछ चीजें थोड़ी कमी रह गई थी। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि 4 मीटर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर मारुति सुजुकी ब्रीजा है, फिर इसके अंदर ये एक डार्क एडिशन आती है टाटा नेक्सॉन की, तो उसके अंदर यही सेम इंजन दिया जाता है लेकिन न्यूटन मीटर वो 300 के करीब आपको दे देती है? आपको बता दूं, देखो जो टाटा की गाड़ी है उनका इंजन ना फेट प्रोवाइड करता है। अच्छा, हैरियर में देखोगे, सफारी में देखोगे, और ये महिंद्रा खुद ही बनाता है। अच्छा, ये टर्बो वेरिएंट है। अच्छा, और उनमें टर्बो आता ही नहीं है, आप डार्क एडिशन मिलेगा लेकिन इंजन वही मिलता है। अब टर्बो का फायदा क्या है, इन इंजन में लैग नहीं होता। अच्छा, ये 1.2 मीटर करते हैं 130 हॉर्स पावर। अच्छा, और इसका जो सबसे एडवांटेज पार्ट है वो जो टॉर्क होता है इसका स्टार्टिंग आरपीएम पे ही आ जाता है, मतलब 1000 आरपीएम में आपको 230 मीटर टॉर्क मिल जाएगा, मतलब आपकी गाड़ी कभी लैग ही नहीं करेगी। ये सब चीजें स्पीड के मामले में बहुत सही है। स्पीड के मामले में तो सर आपको क्या बताए, मतलब पंजा दबाओ जिप जैप जूम। अच्छा, तो एक्सयूवी 300 के बारे में, बाकी इसमें क्या क्या लगवाया एक्सेसरीज पार्टी ये बता दो। हम जब आए थे इसका म्यूजिक सिस्टम हमें अच्छा नहीं लगा था, जब भैया ने बता दिया हमें, भैया ने बताया था, तो हमने इसको अपडेट कराया। इसमें क्या हुआ, हमने म्यूजिक सिस्टम तो कंपनी फिट था, हमने इसके स्पीकर्स चेंज कराए, ट्विटर इसमें चार्ज लगाए और डोर्स में डैम्पिंग कराई थी। अच्छा, इससे क्या फायदा होता है डैम्पिंग करने का? सजेशन क्या होता है ना भैया, आपका ना डोर ना बल्की हो जाता है। अच्छा, जब आप हाई वॉल्यूम में करोगे बेस करेंगे तो झर झर ऐसे आवाज नहीं आती। अच्छा, सॉलिड आवाज आती है प्योर। माइस हमने खुद कराई है ब्लैक एडिशन में देने के लिए अंदर से, और हमने एम्बियंस लाइट में इसमें लगवाई थी जो इसमें थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, बाकी अब फिलहाल इस गाड़ी में सब कुछ कम्प्लीट है। तो ये जब ये एम्बिएंट लाइट की मैंने बहुत सारी शिकायतें सुनी है कि गाड़ी में लगवा लेते हैं आफ्टर मार्केट फिर ये चलती नहीं है ढंग से, ऐसा देखो भैया अभी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है, अभी तो बहुत बढ़िया चल रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है और गाड़ी को निखार देती है। आप रात को चलाओगे, चार पांच कलर है, बहुत बढ़िया लगती है, मतलब गाड़ी कंप्लीट लगती है। तो टच स्क्रीन डिस्प्ले पे थोड़ा नजर नहीं डाला आपने कि छोटी सी है कोई ऐसी कुछ? बहुत बढ़िया, देखो भैया कोई इसमें लैग वगैरह नहीं? नहीं नहीं, हमारे पास पहले रेट्स गाड़ी थी वो, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसा कुछ थी नहीं। इसमें तो फिर भी एप्पल है, कार प्ले है, सब चीज है। छोटे बोर्ड से हमें गाड़ी का चलाने में मजा आना चाहिए जो ये पूरा जस्टिफाई कर देती है। अच्छा अच्छा, देखो मेरा कोई वो मकसद नहीं था कि मैं महिंद्रा को बदनाम करूं, मेरा तो बस ये था कि मैं पूछ रहा हूं कि आपको कैसा लगता है ये महिंद्रा एक्सयूवी 300 की पूरी पूरी, अगर इसके टच स्क्रीन डिस्प्ले में किसी तरीके की कोई दिक्कत हो तो ये हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आप। भैया अभी तक 3,000 किलोमीटर चल चुकी है, कोई लैग नहीं दिखा, कोई कुछ नहीं दिखा, रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा बढ़िया है, एप्पल कार प्ले बहुत बढ़िया चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो छोटी बहुत दिक्कत थी वो हमने अपडेट करा। क्या बता रहे थे आप भैया? देखो इसमें जब आए थे W8 है, ऑप्शनल मॉडल तो नहीं है। ऑप्शनल मॉडल में क्या होता है ना, आपको जो हेलोजन मिलती है ना, अच्छा इसमें जो लाइट्स है वो हेलोजन आती थी, हमने ये भी प्रोजेक्टर करा दी अलग से। अच्छा, अब आपको सारी व्हाइट लाइट मिलेंगी, DRL भी व्हाइट है, ये सारी लाइट है, सब कुछ बढ़िया है। तो इसमें 1-1.5 लाख रूपए आपने आराम से खर्चा कर दिया, 1 लाख रूपए आराम से लग गया है। तो ये सब करवाने के बाद आपको ये नहीं लगा कि इसका कोई वारंटी कटिंग वगैरह ऐसा कुछ हो जाए? नहीं नहीं, कपलर टू कपलर ऐड किया है उन्होंने। अच्छा, तो हमारा कोई वायर कटिंग हुई नहीं है। महिंद्रा कंपनी इसकी स्वर कैसी है भैया?
सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। हमने फर्स्ट सर्विस कराई है, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने हमें अच्छे से ग्रीट किया, सब कुछ बढ़िया हुआ। पर आई थिंक भैया ऑयल चेंज हुआ है फर्स्ट सर्विस में तो नहीं? अभी फर्स्ट सर्विस में उन्होंने खाली गाड़ी को आप वॉश करके दिया है, सारा कुछ टॉपिंग वगैरह जो थोड़ी बहुत होती है। बार बार जो कहते हैं कि भाई महिंद्रा की सर्विस नहीं पूछते है, उनका हर महीने 15 दिन में कॉल आती है, पूछते सर गाड़ी कैसी चल रही है, हैं गाड़ी सर अगर चल गई है तो सर्विस के लिए ले आना। हाँ, वो उनका रेगुलर कॉल्स आती है, मैसेज आते हैं। अच्छा, तो सर्विस वर्क्स भी ठीक ठाक है? अभी तक हमारा एक्सपीरियंस जो बोलता है लोगों के साथ क्या होता है उसका नहीं पता, पर पर्सनली मैं ये बता रहा हूँ, अभी तक मेरे को पर्सनली जो हुआ है बहुत अच्छा ही हुआ है। महिंद्रा के साथ आप खुश हो? मतलब कि बढ़िया तो सर पूरा जस्टिफाइड है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना गाड़ी से ना कुछ भी, गाड़ी मजबूती है, सब कुछ है, फास्ट है, जो जो हमें थोड़ा अपडेट करना था वो हमने करा लिया। तो थैंक यू सो मच, XUV300 के बारे में इतनी बड़ी बात बोली और उसके बारे में बताया कि भाई कैसी गाड़ी है और ड्राइविंग एक्सपीरियंस में कैसी गाड़ी है। तो आपको ये गाड़ी कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्या आपके हिसाब से भी इस गाड़ी में कुछ अपडेट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आपको ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल स्मार्ट कार रिव्यू पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और कस्टमर रिव्यू लाता रहता हूं और अपकमिंग कारों की वीडियो भी लाता रहता हूं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करना। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।